ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते कृष्णाय वासुदेवाय दीन गोपी तप्त साधु संग सर्वशास्त्र कोई लव मात्र साधु संग सर्वसिद्धि हुई। फिर इसी संदर्भ में ब्रह्मांड ब्रह्मेत्य लोक कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पायो भक्ति लता बीज। जब हमें साधु का संग मिलता है या सदगुरु का संग मिलता है तो एक बात का हमें ज्ञान होता है कि मुझे इंसान क्यों बनाया गया और इंसान बनने अब इंसान तो बन गए लेकिन इंसान बनने के बाद भी समझने की बात है। अभी भी मुझे कैसे हो रहा है अभी मैं कुछ बोलना चाह रहा था लेकिन अभी कुछ और हो गया। दो चीजें होती है बाहर से इंसान क्या बोला बाहर से इंसान माँ बाप बनाते हैं क्या बोला बाहर से इंसान माता पिता बनाते हैं और अंदर से इंसान सतगुरु बनाता है। करतूत पशु की मानस जात ये गुरु ग्रंथ जी महाराज की अद्भुत वाणी कि भाई तुम हो तो इंसान जैसे एक उदाहरण देता हूं पानी तो पानी है तो पानी का कर्म क्या है बोलिए प्यास बुझाना। लेकिन एक पानी वो भी होता है जो सड़क पे दिखता है धूप में देखा है कभी आप लोगों ने जिसे हम मृग तृष्णा बोलते हैं। हम गर्मियों में 12 एक बजे सड़क पे जाए और अगर सड़क सन्नाटे वाली हो कोई कार मोटे ना हो तो दूर तो तुम्हें क्या दिखता है पानी दिखता है लेकिन वो दिखता पानी है लेकिन होता नहीं। इसी तरह से कुछ लोग दिखते इंसान हैं लेकिन होते नहीं। कुछ लोग दिखते इंसान है लेकिन होते नहीं। बहनों माताओं मित्रों इंसान दिखना और इंसान होना बड़ा फर्क होता है। एक ब्राह्मण था
बहुत परेशान, बहुत बीमार, बहुत दुखी, बहुत कष्ट में, बहुत पीड़ा में, बहुत भूखा, बीमार, मोहताज, लाचार, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं, कोई उसका हाथ पकड़ने को तैयार नहीं। तब एक साधु मिला, कहा महाराज सुबह से मैं ये सारे लोगों को अपनी मदद के लिए कह रहा हूं और कोई नहीं कर रहा है, जबकि सभी सामर्थ हैं। ये सारे लोग, तब साधु ने कहा बेटा तू इंसानों के पास जा। बोला ये कौन है? कहा इनमें से कोई भी इंसान नहीं है। बोला ऐसे कैसे महाराज, सभी इंसान है देखो। बोला रुक, तुझे एक चश्मा देता हूं। उस ब्राह्मण ने चश्मा पहना। चश्मे पहनने के बाद क्या देखा कि कोई सांप है। ऐसे करे तो क्या दिखे और ऐसे करे तो सांप, ऐसे करे तो क्या दिखे, ऐसे करे तो लोमड़ी, ऐसे करे तो क्या दिखे इंसान, ऐसे देखे तो दिखे शेर। महाराज ये क्या चक्कर है, चश्मे उतारता हूं तो सब मुझे क्या दिखते हैं, इंसान, लेकिन आपके चश्मे पहनता हूं तो कोई मुझे लोमड़ी दिख रहा है, कोई शेर दिख रहा है, कोई चीता दिख रहा है, कोई सांप दिख रहा है, कोई अजगर दिख रहा है। बोला बेटा बिना चश्मे के तुझे इंसान दिखते हैं, लेकिन चश्मे के साथ उनका असली रूप दिखता है। जय श्री कृष्ण, बोलो श्री राधे। क्या बोला? तुझे चश्मे के साथ इनका क्या दिखता है? असली रूप दिखता है। बहनों, मित्रों, कभी कभी कुछ इंसान दिखने में बड़े सुंदर होते हैं, लेकिन उनका असली रूप बड़ा करूप होता है और हम धोखा खा जाते हैं, क्योंकि हमें वो कौन लिखता है एक बहुत ही सुंदर इंसान, लेकिन जब उसका असली रूप आता है तो पता पड़ा ये तो बहुत ही करूप है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, रूम नंबर 3, आपने नॉक किया, क्योंकि तीनों के दरवाजे कैसे हैं होटल में, सबके दरवाजे तो एक जैसे ही होते हैं, सारे रूम्स के दरवाजे, आपने नॉक किया, नॉक करने के बाद दरवाजा खुला तो पता पड़ा इसमें कौन है, मामा है, मासी है, चाचा है, चाची है, ताया है कि नहीं, नहीं तो बाहर से तो तीनों रूम एक जैसे ही थे ना, लेकिन नॉक करने से पता पड़ा कि अंदर कौन है। इसी माताओं बहनों मित्रों, अभी तो ये सब एक जैसे दिख रहे हैं, सारे इंसान इंसान दिखते हैं, लेकिन जब नॉक करते हैं तब पता पड़ता उसमें से है कौन निकला। कभी कभी हम किसी इंसान को अपना पति समझते हैं, लेकिन समय की नोक
पता चला अंदर से तो राक्षस निकला। कभी हम किसी को अपना मित्र समझते हैं लेकिन नोक करते हैं तो पता चला उसमें तो हमारा दुश्मन निकला। तो बाहर से सब एक जैसे हैं और बाहर से सब दिखते हैं कौन, इंसान, लेकिन अंदर किसी के लोमड़ी है। लोमड़ी मतलब बहुत ही मक्कार। बहुत ही मक्कार। बाहर से हमें इंसान देखता है लेकिन अंदर से जहरीला सांप है। बाहर से हमें कोई इंसान दिखता है लेकिन अंदर भेड़िया है। दो चीजें होती, दो चीजें बताऊं, बताऊं, एक होता है, एक होती नजर, एक होता है नजरिया। समझ रहे हो ना क्या कहा? एक होती है नजर और एक होता है, एक होती दृष्टि और एक होता है दृष्टिकोण। बहनों मित्रों, नजर खराब हो जाए तो चश्मा ठीक करता है। श्री राधे। क्या बोला? नजर खराब हो जाए तो चश्मा ठीक होता है लेकिन नजरिया खराब हो जाए तो दृष्टि खराब हो जाए तो चश्मा ठीक करता लेकिन दृष्टि कौन खराब हो जाए तो आज लोगों की नजर तो ठीक है लेकिन नजरिया ठीक नहीं है। लोगों की दृष्टि ठीक है लेकिन दृष्टिकोण ठीक नहीं है। समस्या ये है। बहनों, आज अगर आपको जिंदगी में कोई परेशान कर रहा है, आज अगर आपको जिंदगी में कोई सता रहा है, आज अगर आपको जिंदगी में कोई दुखा रहा है, कोई आपका दिल दुखा रहा है, कोई आपका दिल जला रहा है, कोई आपको परेशान कर रहा है, कोई आपको दुखी कर रहा है, तो उसका कारण कि उसका नजरिया आपके प्रति सही नहीं है, उसका नजरिया आपके प्रति खराब है, इसलिए आपको परेशान कर रहा है, इसलिए वो आपको सता रहा है। क्यों? उसकी दृष्टि तो ठीक है लेकिन आपके प्रति उसका दृष्टिकोण ठीक नहीं है। नजर खराब हो जाए तो चश्मा लगा लो ठीक हो जाती है लेकिन नजरिया खराब हो जाए तो क्या करें? ये जो लोग आज ईश्वर की ओर नहीं आ रहे, ये जो लोग आज कृष्ण की ओर नहीं आ रहे, ये जो लोग आज परमात्मा परम पुरुष श्री हरि पूर्ण ईश्वर श्री कृष्ण की ओर नहीं आ रहे, उनकी नजरें तो है लेकिन उनका नजरिया ठीक नहीं है। उनकी दृष्टि तो है परंतु दृष्टिकोण ठीक नहीं, क्योंकि उनके दृष्टिकोण से धर्म गलत है, उनके दृष्टिकोण से शास्त्र गलत है, उनके दृष्टिकोण से ये सब जो भी आप कर रहे हैं वो सब का सब गलत है। नजर तो ठीक है लेकिन नजरिया ठीक नहीं है, दृष्टि तो ठीक है लेकिन दृष्टिकोण ठीक नहीं। और बहनों माता और मित्रों, दृष्टि खराब हो जाए तो
तो चश्मे ठीक कर देते हैं, लेकिन दृष्टि कौन खराब हो जाए तो उसे एकमात्र सतगुरु ठीक कर सकता है, एकमात्र कोई महापुरुष ठीक कर सकता, एकमात्र कोई संत ठीक कर सकता है। हमारे भी दृष्टिकोण अजीब अजीब थे, हमारे दृष्टिकोण भी अलग अलग थे, हमारे दृष्टिकोण भी ठीक नहीं थे, लेकिन आज कृष्ण के प्रति हमारा दृष्टिकोण है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, भगवत गीता के प्रति हमारा दृष्टिकोण है कि परम पुरुष परमात्मा की सत्यवाणी है, श्यामा श्याम जी के प्रति हमारा दृष्टिकोण है कि यहीं से हमारा जन्म सफल होगा। इसलिए आज नजर ठीक करने से ज्यादा नजरिया ठीक करने की जरूरत है, दृष्टि ठीक करने से ज्यादा आप देखेंगे सूरदार जी की दृष्टि नहीं थी, समझ रहे हो मेरी बात, सूरदास जी की नजर नहीं थी, लेकिन फिर भी कृष्ण आते हैं उनके पद सुनने, कृष्ण आते हैं उनके गीत सुनने, कृष्ण आते हैं उनके भजन सुनने, क्यों? उनकी नजर ठीक नहीं थी लेकिन नजरिया ठीक था। आज लोगों की नजर ठीक है लेकिन नजरिया ठीक नहीं है, उनके नजरिए में कोई भगवान भगवान नहीं है, उनके नजरिए में कोई कृष्ण नहीं है, उनके नजरिए में कोई राधा रानी नहीं है, उनके नजरिए में कोई भगवत गीता नहीं है, उनके नजरिए में कोई ईश्वर नहीं है, उनके नजरिए में कुछ भी नहीं है, उनका नजरिया है खाओ पियो और मौज करो। उनका नजरिया क्या है? उनका नजरिया है मैं सबका खा जाऊं, बोलो मेरा जो खाए वो अंधा हो जाए, ये है उनका नजरिया। मैं सबको सताऊं लेकिन मुझे जो सताए उसका बेड़ा गर्क हो, मैं सबका खून पीऊं लेकिन मेरा जो पिए वो शैतान, मैं सबको सताऊं लेकिन मुझे सो सताए वो राक्षस, ये है आज का नजरिया। आज का नजरिया है खाओ पियो और मौज करो, लेकिन एक बात बताऊं, जो खाया वो तो विष्टा बन के चला गया गटर में, क्या रहा आपके पास? जो पिया वो यूरिन बन गया, मलमूत्र बन गया, और वो भी चला गया कहां? गटर में, क्या रहा आपके पास? खाया वो भी गटर में गया, पिया वो भी गटर में किया, और बाकी क्या रह गया? मौज करो, तो खाओ पियो, तो खाया वो गटर गया, पिया वो भी गटर में किया, और जो मौज किया वो बुढ़ापे में भोगो, क्योंकि जितनी भोगी जवानी उतना रोगी बुढ़ापा, जितनी भोगी जवानी उतना रोगी बुढ़ापा। खाया वो भी हाथ में नहीं रहा, पिया वो भी हाथ में नहीं रहा, और ऐश किया वो भोगो, और भोगो ऐसे कि जहां से भागो भी नहीं, भाग सकते ही नहीं, भोगने से
कोई नहीं भाग सका है। भोगना वो कुत्ता नहीं है जो आपके पीछे लगे और आप उसे भाग जाओ। भोगने से कोई बोलो भाग नहीं सकता है। इसलिए नजर ठीक करता है डॉक्टर और नजरिया ठीक करता है सदगुरु। नजर ठीक करता है कौन? डॉक्टर। और नजरिया ठीक करता है सदगुरु। आज हम सब रोज राधा वृंदावन चंद्र के गीत गाते हैं, हरे कृष्णा हरे राम हरे राम। क्यों? कि हमारा नजरिया ठीक हो गया है। आज रोज हम शास्त्र पढ़ते हैं क्योंकि हमारा नजरिया ठीक हो गया है। आज हम गीता को परम सत्य समझते हैं क्योंकि हमारा नजरिया से। आज हम भागवत की कथाओं को मोक्ष का दाता समझते हैं क्योंकि हमारा नजरिया ठीक हो गया है। आज हमें मूर्ति, पत्थर की मूर्ति मूर्ति नहीं दिखती है बल्कि साक्षात श्यामा श्याम दिखते हैं, ईश्वर दिखते हैं क्योंकि हमारा नजरिया ठीक हो गया है। नजर से देखोगे तो मूर्ति देखेगी और नजरिए से दिखोगे तो साक्षात हरि दिखेगा। आज हम कभी कभी श्रीधाम वृंदावन जाते हैं, बांके बिहारी जी के मंदिर जाते हैं तो वहां आपको पता थोड़ी लाइटें कम होती है, दिए जलते हैं और उसमें बिहारी जी के दर्शन होते हैं और गर्भगृह में थोड़े से वो अंदर की तरफ है। लोग जाते हैं ऐसे 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 करते हैं, अभी कितने हमको ठीक से नहीं दिखा क्योंकि उन्होंने किससे देखा है? नजर से देखा है। और जब वैष्णव जाते हैं तो दूर से भी इनको लगते हैं आज बिहारी जी मुस्कुरा रहे हैं, आज बिहारी जी हंस रहे हैं, आज बिहारी जी ने ऐसे वस्त्र धारण किए हैं, आज बिहारी जी थोड़े मोटे लग रहे हैं, आज बिहारी जी थोड़े कमजोर लग रहे हैं, आज बिहारी जी ऐसे लगते हैं, आज बिहारी जी ऐसे लग रहे हैं, क्योंकि वो नजर के बजाय नजरिए से देखते हैं। हमारे राधा वृंदावन चंद्र कई लोग मुझे आके कहते हैं बापू आपके मंदिर में मूर्ति बहुत सुंदर है क्योंकि उन्होंने नजर से देखी है। क्या देखी? मूर्ति देखी। लेकिन जब नजरिए से देखते हैं आपकी तरह तो उनको साक्षात हरि दिखता है। लोग कभी कभी कहते हैं आप लोग क्या करते हैं 6 बार भोग ये थोड़ी खाते हैं, 7 बार आरतियां 6 बार आरतियां फिर श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे और एसी लगाते हो गर्मी में सर्दी में ऊन के कपड़े पहनाते हो, अरे ये तो मूर्ति है। कहां से देख रहे हो? नजर से देख रहे हो लेकिन उन वैष्णवों के नजरिए से देखो, उन साधुओं के नजरिए से देखो, उन महापुरुषों के नजर से देखो, उन कृष्ण स्नेही आत्माओं की नजरिए से देखो तो पता पड़ेगा मेरे श्यामा श्याम जी मेरे ठाकुर मेरे प्राण धन, इनको गर्मी ना लगे इनको ठंड ना लगे
इनको भूख ना लगे। जो तुद बावे सोई बलिकार, तू सदा सलामत। प्रभु आप आनंद में रहो। नजर वाले कहते हैं भगवान हमको सुखी करो, और नजरिए वाले कहते हैं हम किया रिजाया तो खे किया पहुंचाया दस कुट। आप बताओ हम आपको कैसे खुश करें। मेरे ठाकुर, अरे ये आम बहुत बढ़िया है, मेरे ठाकुर खाएंगे। एक बहन मुझे बहुत साल पहले, वृंदावन की बात है, बहुत दरिद्र और गरीब थी, एक दिन रास्ते में मुझे मिल गई। और बड़ी एक्साइटेड और खुश थी, जैसे आप कोई बहुत बड़ी शॉपिंग करके आते हो और कैसे खुश होते हो। जब हमारी बहनें बहुत शॉपिंग करके आती तो कैसी होती बोलो, बहुत खुश होती है। लेकिन उनके पति से पूछा करो वो कितना खुश होता है। चलो सीरियस टॉपिक है, आज हम थोड़े सीरियस रहते हैं। वो बहुत एक्साइटेड थी, शी वॉज वेरी एक्साइटेड, और मुझे कहने लगी बापू वो आपको पता है वृंदावन में मोस्टली लोग थैला रखते हैं, कोई बंदर कुछ चीजें ना ले जाए। तो एक कपड़े का थैला था पुराना सा, उसमें से दो खिलौने निकाले हैं इतने छोटे छोटे। वो एक खिलौना, ये जो प्लास्टिक के ठेलों पे, रेडियो पे, गाड़ियों पे, दुकानों पे 10-5 रुपए के मिल जाते हैं, ये उस जमाने की बात है, 10-5 के, अभी 150 के मिलते होंगे। एक उसमें से स्कूटर था छोटा सा, और एक छोटा सा पंखा था। मुझे कहने लगी आज मैं लाला के लिए लेके आई हूं। लाल जी के लिए लेके आई हूं, मैं ठाकुर के लिए लाई हूं। क्या है वही है? बोला ये बहुत गर्मी है ना, गर्मी तो ये पंखा लगाऊंगी, जबकि वो पंखा मात्र खिलौना था, कोई चलने वाला वो नहीं था, कोई उसमें से हवा आने वाली नहीं थी। और ये स्कूटर है, स्कूटर अभी गर्मी धूप है ना, तो श्याम जी बरसाना जाते हैं राधा रानी को मिलने, तो पैदल जाते हैं, अब स्कूटर पे जाएंगे। नजर से देखोगे तो वो खिलौने हैं, नजर से देखोगे तो वो पंखा किसी काम का नहीं है 5 रुपए का, नजर से देखोगे तो स्कूटर किसी काम का नहीं है, लेकिन उसके नजरिए से देखो। तो एक गाना मुझे याद आ रहा है, नजर के सामने ओहो हो, जिगर के पास कोई रहता है वो हो तुम। व्हाट ए रोमांटिक सॉन्ग, नजर के सामने जिगर के पास। अच्छा जो नजर के पास होते हैं फिर उन नजर से दूर कैसे हो जाते हैं? क्वेश्चन इज दिस, जो नजर के सामने जिगर के, तो जो नजर के सामने होते हैं उनको एक दिन हम क्यों कहते हैं कि तू मेरी आंखों से, तो क्यों? इतना रोमांस, इतनी नफरत में किसे बदल गया? जिनको कहते हो नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है वो हो तुम, और फिर अब क्यों कहते हो मेरी नजरों से दूर हो जा? क्यों?
कि वो नजर के सामने तो था लेकिन नजरिए में नहीं था। अच्छा एक बात बताऊं, नजर वैसी की वैसी ही रहती है, ऐसे थोड़ी थी कि ब्राउन आंखें थी वो कैसी हो गई ब्लैक हो गई, नो, नजर ऐसी ही रही लेकिन उसके प्रति नजरिया बदल गया। नजर तो वैसे ही रही लेकिन नजरिया बदल गया। पहले शादी के दो तीन साल पहले, दो तीन साल बाद हम कभी कभी शिकवा करते हैं, आप पहले जैसे नहीं रहे अब, या पुरुष अपनी पत्नी को कहते हैं, क्या कहते हैं, तुम पहले जैसी अब नहीं रही, आप पहले जैसे अब नहीं रहे। भाई पहले जैसे नहीं रहे क्या मतलब, वैसे ही मेरे दो कान हैं, अब तीन तो नहीं हुए, नाक भी मेरा वैसे का वैसे है, होंठ भी मेरे वैसे के वैसे हैं, मेरी 10 उंगलियां थी अब 12 तो नहीं हुई, कद मेरा 5 फिट 9 इंच था अब 5 फिट 2 इंच नहीं हुआ, वजन मेरा 76 था, 1-2 किलो इधर उधर हो गया होगा, पांव मेरे 2 थे 4 तो नहीं हुए, फिर तुम कैसे कि तुम्हें पहले जैसा नहीं रहा। याद रखना हम तो पहले जैसे ही होते हैं लेकिन उनका नजरिया हमारे लिए पहले जैसा नहीं होता है। ये कहो ने कि तुम कहते हो तुम पहले जैसे नहीं रहे, मैं तो पहले जैसा ही हूं लेकिन तुम्हारा नजरिया मेरे प्रति पहले जैसा नहीं रहा। तुमको मैं कभी हीरोइन दिखती थी, अभी चुड़ैल क्यों दिखती हूं, मैं तो वैसी की वैसी ही हूं लेकिन तुम्हारा नजरिया पहले जैसा नहीं रहा। मैं तुम्हें राम जैसा पहले दिखता था, अब रावण जैसा क्यों दिखता हूं, क्यों, मैं तो वैसे का वैसा ही हूं लेकिन तुम्हारा नजरिया मेरे प्रति बदल चुका है। इंसान नहीं बदलता है, इंसानों का नजरिया बदल जाता है। अब इस नजरिए को ठीक कहां करें, कोई डॉक्टर के पास तो जा नहीं सकते हैं और कहते हैं डॉक्टर प्लीज मेरा नजरिया बदल गया है कुछ ठीक करके दो। इसलिए कहता हूं नजर डॉक्टर ठीक करता है और नजरिया सदगुरु ठीक करता है। हम सबों के में नजरिए उल्टे सीधे थे, नहीं थे, बोलो, हम पता नहीं धर्म के लिए क्या सोचते थे, गीता के लिए क्या सोचते थे, गुरु के लिए क्या सोचते थे, शास्त्र के लिए क्या सोचते हैं। एक बात बताऊं, मैं तो आप लोगों को पहले भी दिखता था, नहीं दिखता था, हमारे ही उल्लासनगर की एक उदाहरण देता हूं, हमारे उल्लासनगर का एक उदाहरण देता हूं, कई लोग आप में से ऐसे होंगे जो मेरे बराबर से निकल जाते होंगे, तो क्या मैं उनको नहीं दिखता था, यस और नो बोलो, दिखता था ना, हाँ नजर तो आता था लेकिन नजरिया उस समय मेरे प्रति आपका नहीं था। तो इंपोर्टेंट क्या हुआ, नजरिया, नजरिया। आज अगर मैं आपको बहुत अच्छा दिखता हूं तो आपकी नजर से नहीं दिखता हूं बल्कि, आज अगर मैं आपको आपका गुरु दिखता हूं तो नजर से नहीं बल्कि नजरिए से दिखता हूं।
इसलिए सूरदास की नजर नहीं थी, लेकिन बोलो ना, बोलो ना, नजर। हे प्रभु, हमारी नजर कमजोर हो जाए, हमारी नजर बदल जाए तो वो तो चश्मे भी ठीक कर देंगे, लेकिन हमारा नजरिया आपके प्रति नहीं बदलना चाहिए। वो जैसा है वैसा ही रहना चाहिए प्रभु। अगर हमारा नजरिया बदल गया धर्म के प्रति, अगर हमारा नजरिया बदल गया ईश्वर के प्रति, अगर हमारा नजरिया बदल गया शास्त्रों के प्रति, अगर हमारा नजरिया बदल गया गुरु के प्रति, अगर हमारा नजरिया बदल गया सत्संग के प्रति, तो धोबी का कुत्ता न घर करा न घट करा। क्यों? संसार हाथ में आने वाला नहीं है, और ईश्वर से भी गए तो ना इधर के रहे ना उधर के रहे। इसलिए नजर बदल जाए, डोंट वरी, बट बोलो नजरिया ना बदले। देखिए सूरदास जी की नजर नहीं थी, लेकिन उनका नजरिया था। क्या नजरिया था? कृष्ण मेरे प्राण धन है, सूरदास की नजर नहीं थी लेकिन नजरिया था। क्या नजरिया था? सबसे ऊंची, सूरदास जी का पद है, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, ये किसका नजरिया था? सूरदास जी का। नजर नहीं थी लेकिन उनका नजरिया था, और उसी नजरिया से याद रखना, कहते हैं सूरदास जी ने श्याम सुंदर को पकड़ लिया था, नजरों से नहीं पकड़ा था बल्कि नजरिया से पकड़ा था। एक दिन श्रीधाम वृंदावन की बात है, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन। तो एक दिन श्रीधाम वृंदावन में सूरदास जी अपने पद गा रहे हैं, अब दिखता तो है नहीं, दिखता तो नहीं है, पद गा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पद गा रहे हैं। और श्याम सुंदर दबे पांव चुपचाप आकर उनके पास बैठ जाते हैं, और सूरदास जी पद गा रहे हैं और कृष्ण सुन रहे हैं। अब बताऊं, जब आप कीर्तन गाते हो ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, तब पता नहीं ठाकुर जी दबे पांव आके आपके पास बैठते होंगे, क्या पता, और आकर बैठकर सुनते होंगे, हमें क्या पता, क्योंकि उन्होंने ही कहा ना हम वसामि वैकुंठ, तो मैं कहाँ होता हूं है? यत्रो गायंती मद भक्ता, जहां मेरे भक्त मिलके मेरा गान करते हैं, मेरा भजन गाते में, तो क्या पता हम जब कीर्तन करते हो और श्याम सुंदर आके बैठ जाते हो और सुन के चले जाते हो। तो श्याम सुंदर आते सूरदास जी के पास आकर उनके पद सुनते और पद सुनकर चले जाते। एक दिन राधा रानी ने कहा, प्यारे श्याम सुंदर, ये रोज आप कहां चले जाते हो हमें छोड़कर, दबे पांव चुपचाप, कौन सखी के पास जाते हो श्याम सुंदर? आप हमें बताइए कौन सखी होती है? कृष्ण ने कहा, सखी नहीं है, सखा है, चिंता नहीं करना। तो अभी हमें भी ले चलो,
क्योंकि हमने देखा जब आप वहां से आते हो तो बड़े खुश खुश आते हो, बड़े प्रसन्न आते हो। राधा रानी ने बहुत जिद किया, श्री राधे, राधा रानी ने बहुत जिद किया। श्याम सुंदर हमें भी ले चलो, हम भी उनको देखेंगे। आपका ऐसा कौन सखा है जिसके पास से आप इतने खुश आते हो, इतने मुस्कुराते हुए आते हो, इतने हंस के आते हो, इतने एक्साइटेड होके आते हो, वो कौन है? राधा रानी ने जिद की, कहा ठीक है राधे चलो, लेकिन बहुत शार्प है, दूर खड़े रहना। और चुपचाप चुपचाप बिल्कुल आवाज मत निकालना। अब सूरदास जी अपने पद गा रहे हैं, सबसे ऊंची सबसे ऊंची सबसे ऊंची, प्रेम के वश अर्जुन रक्त हाँक्यो, भूल गयो ठकुराई सबसे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई सबसे ऊंची, प्रेम से सबसे ऊंची प्रेम से खाई। मां आपने एक शब्द कहा, लेकिन उसके आगे एक तीन शब्द लगा, ये देखी मां का चेहरा। आपने कहा पापा, एक शब्द कहा। आपने कहा भैया, आपने कहा भाभी, आपने कहा बहन, ये तो आपने कहा, लेकिन उसे ये आगे तीन शब्द लगाओ, फिर देखो उसका चेहरा। जिस दिन आप अपने पापा को कहोगे ना पापा आई लव यू, देखो उसका चेहरा। कभी हम पापा तो कह देते हैं लेकिन बिना प्रेम के होता है, क्योंकि हम पापा कब कहते हैं, मम्मा कब कहते हैं, जब कुछ चाहिए होता है। वो भी तो हमारे बाप ही है, उनको भी पता है ये पापा क्यों कह रहा है। हम जब अपने मां बाप को पुकारे हैं तो उनको डाउट ना हो कि इसमें कुछ गड़बड़ लगती है। आज बिना प्रेम के किसी को भी पुकारोगे, उनको लगेगा इसमें कहीं ना कहीं आज कुछ डाउट। इवन आप अपने पति को बुलाए सुनो, वो बोलेगा अभी क्या सुनू, उम्र भर से ही सुनता तो आ रहा हूं। लेकिन आपने जिस दिन अपने पापा को कहा पापा, पापा तो बोला लेकिन साथ ये लग गया पापा आई लव यू, देखो उसके चेहरे पे कितनी खुशी आई। मामा आई लव यू, देखो उस मां के चेहरे पर कितनी प्रसन्नता आएगी। दीदी क्या आई लव यू, देखो उस बहन के चेहरे पे। भैया आई लव यू, अपने पति को कह के देखो, क्या क्या कह के देखो आई लव यू, वो तो वहीं मर जाएगा खुशी से। आप कह कर तो देखो, मुसीबत है हमारे पास मात्र खोखले शब्द रह गए, भाव निकल गया। मात्र खोखले शब्द रह गए, उसमें से भाव निकल गया। लगता है हम प्रेम करना तो भूल ही गए, बस मतलब से मां बाप को बुलाएंगे, नहीं तो वो अपने कमरे में, हम अपने कमरे में,
वो बेचारे संस्कार और आस्था देख रहे हैं और हम बैठे बैठे फेसबुक पे चैटिंग कर रहे हैं, हम बैठे बैठे व्हाट्सएप पे लगे हुए हैं और वो बेचारे, और मजे की बात है वो उम्र भर हमारे लिए सोचते हैं। क्या कहा बोलो? वो उम्र भर हमारे लिए सोचते हैं और हम किसी और के लिए सोचते हैं। वो उम्र भर हमारे लिए सोचते हैं, इवन उनको कुछ खाना भी होता है ना तो कहते चलो पैक करवा लेते हैं, बच्चों के साथ खाएंगे। वो उम्र भर हमारे लिए सोचते हैं और हम दो मिनट में ऐसे बदलते हैं कि फिर किसी और के लिए सोचते हैं। याद रखना, सोचो भले किसी के लिए भी, लेकिन उनका मत दिल तोड़ना जो उम्र भर हमारे लिए सोचते हैं। सोचो भले किसी के लिए भी, लेकिन उनका मत दिल तोड़ना जो हमारे लिए सोचते हैं। प्लीज 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 बी केयरफुल। आज हमारे पास मात्र खोखले शब्द हैं और वो शब्द खोखले हैं और भरे किससे हैं? स्वार्थ से। उन खोखले शब्दों में स्वार्थ निकालो और क्या भरो? प्रेम भरो। बिना मतलब के भी, बिना स्वार्थ के भी अपने आजू बाजू वालों से थोड़ी बातें क्या करो? बिना मतलब के भी अपने आजू बाजू वालों से थोड़े दो शब्द है प्यार के बोल दिया करो। आज तो हमारी ये हालत है, मैं सच कहता हूं कि कभी कभी पति अपनी पत्नी से बहुत प्यार की बातें करता है ना तो पत्नी के दिल में ये शक आता है कि ये कहीं मुझे उल्लू तो नहीं बना रहा है। उसके दिल में आता है सुख तो है, ये मुझे उल्लू बना रहा है, कुछ काम तो नहीं है इसका मुझ में। वैसे तो कभी मुझे सही मुंह से बात भी नहीं करता है, बस यही बोलेगा चाह खड़िया, ये खड़िया, ये खड़िया, ये खड़िया, जैसे मैं वेटर हूं। आज ये वेटर से मालकिन कैसे बना दिया इसने मुझे, कुछ तो दाल में। ऐसा ना हो। आज मुसीबत है कि बहू सास को कभी कहती है आपके पांव दबाऊं, उसका मत्था ठिठकता है, अरे कुछ गड़बड़ तो नहीं, ये पांव दबा रही कुछ है लगता है। क्यों? हम डर गए खोखले शब्दों से। इसलिए मैं कहता हूं अपने रिश्तों को भी नजर से मत देखना, प्रेम भरे नजरिए से देखना। स्वार्थ की नजर हटाओ और प्रेम का नजरिया लाओ। स्वार्थ की दृष्टि हटाओ और प्रेम का दृष्टिकोण लाओ। देखो जिंदगी कितनी सुंदर हो जाती है, देखो लाइफ कितनी ब्यूटीफुल हो जाती है। तो बात किसकी हो रही थी? सूरदास जी महाराज की बात हो रही थी, राधा रानी और श्याम सुंदर। मैं बात कर रहा था सबसे ऊंची, प्रेम सगाई प्रेम के वश अर्जुन रथा क्यों भूल गयो ठकुराई। हमारे साथ क्या मुसीबत है? हम बाहर वालों से तो इतने अच्छी तरह से बात करेंगे जिसकी कोई हद नहीं है, कि नहीं बोलो? बाहर वालों से, समाज वालों से, अड़ोसी पड़ोसी, भाजी वाला, दूध वाला, चाय वाला, ऑटो वाला, रक्शे वाला, मिठाई वाला, ये वाला, वो वाला, वाला वाला, सारा सब वालों से तो हम ठीक बात करेंगे, लेकिन घर वालों से नहीं करेंगे। हम सबसे अच्छी बात करेंगे, जितनी अच्छी बात हम बाहर वालों से करते हैं उतनी अच्छी बातें हम।
जितने अच्छे ढंग से हम बाहर वालों से बातें करते उतने अच्छे ढंग से हम अगर अपने घर वालों से बातें करें तो बहुत सारी समस्याएं का समाधान हो जाएगा। लेकिन मुसीबत यह है कि हम बाहर वालों से तो बहुत अच्छी बातें करते हैं, बहुत अच्छे ढंग से करते हैं, बहुत अच्छी नेचर अच्छे स्वभाव से करते हैं, लेकिन घर में आते ही अंदर का जानवर है बाहर आ जाता है। मैं क्या बोल रहा था स्टार्टिंग में याद है, किसी के अंदर दिखता इंसान है लेकिन अंदर सांप है, दिखता इंसान है लेकिन अंदर लोमड़ी है, दिखता इंसान है लेकिन अंदर भेड़िया है। क्यों? कि नजर उसकी इंसान की है लेकिन नजरिया जानवर का है। श्री राधे। नजर उसकी इंसान की लेकिन नजरिया पशु का जानवर का है। नजर ठीक करता है डॉक्टर और नजरिया ठीक करता है सत्संग और सतगुरु। जैसे नजर ठीक करता है चश्मा और डॉक्टर, ऐसे नजरिया ठीक करता है सत्संग और सतगुरु। सूरदास सबसे ऊंची सबसे ऊंची सबसे ऊंची बस ये गा रहे और श्यामा श्याम जी पहुंच गए। दबे पांव आहिस्ता आहिस्ता राधे शोर नहीं, ये साइलेंट जोन है, ये गड़बड़ हो जाएगी। और सूरदास अपनी मस्ती में गाए जा रहे सबसे ऊंची प्रेम से गाई सबसे ऊंची प्रेम से गाई। अपने प्यारों को अपने दुलारों को कभी दिल से आई लव यू बोल दिया करो। जिंदगी में आई हेट यू आई हेट यू आई हेट यू आई हेट यू आई हेट यू। हेट करते करते रिश्ते हट जाते हैं। अपने माँ बाप को बोल दिया करो, अपने बहन भाइयों को बोल दिया करो, अपने बच्चों को बोल दिया करो। तो क्या बोल रहा था मैं, सबसे ऊंची प्रेम सुखाई। तो राधा रानी और श्याम सुंदर आहिस्ता 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 नजदीक पहुंच गए, नजदीक पहुंचे लेकिन राधा रानी के घुंघरू जो उनकी पायल थी वो बच गई। जैसे ही पायल बजी सूरदास जी समझ गए, ओ मेरे ठाकुर। जब आप कृष्ण को दर्शन करें ना तो समझिए ये मेरे हैं, मेरे मेरे ठाकुर हैं। मैं अपना एक अनुभव शेयर करता हूं, वैसे कहने की जरूरत नहीं है लेकिन आपको समझाने के लिए। जब कभी मैं बिहारी जी जाता हूं देखता हूं बहुत लंबी चौड़ी बड़ी भीड़ है तो मैं सोचता हूं चलो इनको आगे जाने दो। इनको क्यों भाई, हम तो घर के ही लोग हैं, ये मेहमान है इनको जाने दो, ठाकुर जी तो अपने ही है, दूर से भी देख लें तो समझ जाएंगे। लेकिन ये तो मेहमान लोग हैं, इनको आगे जाना देना चाहिए। क्यों? कि जो यहां अभी आप दर्शन करोगे वो किसी और का नहीं है बल्कि आपका अपना है, और आप किसी और के नहीं हो बल्कि वो आप उसके अपने हो। सबसे ऊंची प्रेम सकाई। अब राधा रानी के जैसे घुंघरू बजे सूरदास ने झपटा मारा। राधा रानी ने पांव तो पीछे कर दिया, चरण पीछे हो गए, राधा रानी के चरण पीछे हो गए लेकिन उनकी पायल हाथ में आ गई। पायल हाथ में आ गई, समझ गए ये मेरी ठकुरानी की पायल है और किसी की हो ही नहीं सकती। हाथ लगा के ही समझ गए राधा रानी श्याम सुंदर मेरी पायल। राधे
मैंने कहा था बी केयरफुल। हाँ ठाकुर इंग्लिश बोलते, क्यों नहीं बोलते ठाकुर? जब हमें इंग्लिश बोलना सिखा सकते तो वाई कैन वो क्यों नहीं भाई? वो राधा रानी को कहते आई सेड यू प्लीज बी केयरफुल, तुमने राधे मेरा नहीं सुना। अब गई पायल, क्योंकि मैं तुम्हारी पायल, अभी तो तुम्हारी पायल गई है, मैं तुम्हारी पायल लेने गया तो मैं भी गया, इससे दूर रहना ठीक है। राधा रानी जिद कर गई, मान कर गई, मेरी पायल मेरी पायल मेरी पायल। तब ठाकुर जी पहले बार बोले सूरदास जी पायल लौटा दो। बात नजर और नजरिए की है, बात दृष्टि और दृष्टिकोण की है। ठाकुर ये पायल कैसे दे दूं? इसमें तो राधा रानी के श्री चरणों की रज है। राधे तेरे चरनानु अखियां नाल लालियां, धूल तेरे चरना दी मिले में सुरमा उदा बना लिया। राधे तेरे चरनानु में अखियां नाल लालियां, धूल तेरे चरना दी मिले में सुरमा उदा बना लिया। ये तो राधा रानी के श्री चरणों की धूल है, ये पायल अब मैं लौटा नहीं सकता हूं। बहरहाल एक लंबा संवाद हुआ, समय नहीं है, अगर ये घड़ी इधर होती तो अभी तो पूरा हो चुका होता था, लेकिन आज मेरा ध्यान ही नहीं गया घड़ी पे, क्योंकि उधर कोई घड़ी नहीं है। तो बहरहाल चलो पायल, बहरहाल किसी तरह से रिकझिक हुई, बड़ी लंबी चौड़ी बहस हुई और अंत में पायल दे दी। तब कृष्ण ने कहा सूरदास बात नजर और आपको मैं आंखें देता हूं। क्या देता हूं? जैसे ही कहा सूरदास की आंखें आई, सामने कौन खड़े? सामने कौन खड़े? सामने श्यामा श्याम श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र खड़े हैं। श्री श्री श्यामा श्याम प्रिया प्रीतम किशोर किशोरी जी खड़े हैं। और सूरदास देखकर आंखों से आंसू बहाए जा रहे। सूरदास क्या चाहिए? कहा गोविंद अगर कुछ देना ही है ना तो मुझे फिर से अंधा कर दो। क्यों? क्योंकि किससे नजर मिलाए तुम्हें देखने के बाद? किससे नजर मिलाए तुम्हें देखने के बाद? गोविंद आपको देखा तो सब देखा, अब आपके सिवा कुछ देखने की अभिलाषा नहीं रही। कृष्ण सूरदास की नजर में नहीं थे लेकिन नजरिए में थे। आज मुसीबत यह है कि लोग मंदिर में जाते हैं, उनकी नजरों में तो भगवान आ जाते हैं लेकिन उनके नजरिए में भगवान नहीं आते। गीता पढ़ते हैं, उनकी नजरों में तो गीता आ जाती है लेकिन नजरिए में नहीं आती। उनकी दृष्टि तो भगवान पे पड़ती है लेकिन उनका दृष्टिकोण बदलता नहीं है। आज जरूरत है दृष्टिकोण बदलने की, धर्म के प्रति, ईश्वर के प्रति, गीता के प्रति, भागवत के प्रति, संत के प्रति। और यही मुझे प्रसन्नता है कि जिन्होंने भी सत्संग सुनी उनकी दृष्टि तो वैसे वैसी रही लेकिन दृष्टिकोण बदल चुका है। जिन्होंने भी हरि कथा कीर्तन सुना, चाहे उन्होंने मुझे लाइव सुना या जिन्होंने व्हाट्सएप के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से सुना, उनकी नजर तो वैसे ही रही है लेकिन आज उनका नजरिया बदल चुका है, तभी तो उनके जीवन में श्री कृष्ण प्रेम और श्री कृष्ण भजन आ गया है। हरे कृष्ण हरे राम।
श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल निताई। जय 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 श्री राधा, जय 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 श्री राधा, जय 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 श्री राधा। तो अंत में क्या कह रहा हूं, क्या बदल के जाना है? नजरिया बदले। नजर तो आपकी वैसी की वैसी है।